हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आर के बायोलॉजी क्लास एट सीकर से। तो फ्रेंड्स, आज अपन सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 2 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, और फिजिक्स से पूछे जाने वाले ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन अपने दे रखा है कि प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, वह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, पल्सर होता है, यानी पल्सर क्या है? एक ब्लैक होल है, निहारिका है, न्यूट्रॉन तारा है या श्वेत वामन तारा है। तो पल्सर कहा गया फ्रेंड्स, एक न्यूट्रॉन तारा माना जाता है, यानी थर्ड जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब आता है जब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे होगा, या थोड़ा नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जब जहाज थोड़ा क्या आएगा, ऊपर आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फर्स्ट, वायुदाब में कमी के कारण, सेकंड, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण और अत्यधिक भार के कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वायुदाब में क्या आती है, कमी आती है, उस वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, और दाब और गलनांक में कोई फर्क नहीं है या संबंध नहीं होता है। तो इसमें फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जिसमें दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो हो जाता है घट जाता है, और वह गलनांक यानी गलने लग जाती है अपन कह सकते हैं, और पिघलने लग जाती है, आपस में क्या हो जाती है, जॉइंट होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। छठवां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जिसमें दे रखा है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण अधिक हो जाता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण होता है, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वह करेक्ट है, यानी कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, यानी वायुमंडल दाब वहां पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उबलने का बिंदु भी क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपने, प्रेशर कुकर में सब्जी, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्योंकि सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब पर क्वथनांक कम होता है, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपने वह करेक्ट होगा, क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है या वायुदाब घट जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, वायुदाब घट जाता है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। तो फ्रेंड्स, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है सी, यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की शांतता के कारण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है अपने, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या होती है, गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण काफी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कैसी का क्रिया होती है, गुरुत्वीय बल लगता है, दाब अंतर या कोई नहीं? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो अपना कैसी का क्रिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, इसका क्या कारण है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डॉपलर का जो प्रभाव होता है वह कार्य करता है जिससे पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो होती है बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, कारण? वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जिससे रात्रि में ओस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, कारण? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है या भाप हल्की होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन अपने दे रखा है कि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से हाथ अधिक जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, परावर्तन, न्यूटन की गति का नियम, अपवर्तन या परावर्तन व अपवर्तन। तो यहाँ पर अपना आंसर जो थर्ड है जिसमें अपवर्तन दे रखा है वह बिल्कुल करेक्ट है। आकाश का नीला प्रतीत होने का कारण बताइए, विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या परावर्तन? तो नीला होने का कारण बताया गया है यहाँ पर प्रकीर्णन, जिसके कारण से प्रकाश किरणें दोबारा टकराकर वापस से गुजर जाती है उसी मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, धूल के कण, उसे प्रकाश के विसरण का कारण माना गया वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन व जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जल के नीला रंग या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है अपने, प्रकाश के परावर्तन था जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यही समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो इसका सही ऑप्शन अपन देखेंगे फ्रेंड्स, जो सेकेंड ऑप्शन है, प्रकीर्णन के कारण यह क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल? तो इसका सही ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स फर्स्ट, ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है या कोई नहीं? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपना सेकेंड ऑप्शन है, पारे का जो घनत्व होता है वह स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद कपड़े पसीने ज्यादा सोखते हैं या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, ये सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए अपने को गर्मी कम लगती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण और पानी की शांतता के कारण? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। 25वां जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, क्योंकि अपन ने ऑप्शन दे रखा, चमगादड़ पराश्रय व तरंगे उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है, दोनों सही या दोनों गलत है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि चमगादड़ पराश्रय व तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसी के द्वारा वह अंधेरे में उड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन जो कि
लगातार 2 सालों से रिपीट हो रहे हैं जनरल साइंस में। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अपने कमेंट्स में सुझाव जरूर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स। तो जीवधारियों के जो लक्षण देखे हैं उसमें हम देखेंगे एक तो प्रति और दूसरा गति। वृद्धि और गति में मुख्य डिफरेंस हम देखते हैं, देखने में दोनों समान रहते हैं, कि एक में वृद्धि हो रही है, गति हो रही है। वृद्धि और गति में मुख्य अंतर यह होता है कि वृद्धि होती है निश्चित स्थान पर रहते हुए, यानी कोई भी एक निश्चित स्थान होता है उस पर रहते हुए अगर अपन अपने आकार में या संरचना में ग्रोथ करते हैं तो वह क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। और गति का मतलब यह होता है कि अपन एक स्थान से चल कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, यानी स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, गति के नाम से जानते हैं। इसलिए ध्यान रखना वृद्धि और गति दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता। इसके अलावा तीसरा अगर अपन देखें तो मुख्य पाया जाता है इसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन में अपन कहेंगे वही आदान प्रदान की क्रिया होती है, ग्लूकोज विखंडन की क्रिया, उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह भी इसी में पाई जाएगी।